नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिर परिचित दोस्त एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। गिलोय एक बहुवर्षीय लता है। इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं। आयुर्वेद में इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अमरता, गुड़ची, छिन्नरुहा, चक्रांगी आदि। गिलोय इतनी गुणकारी है कि इसका नाम अमरता रखा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आयुर्वेद जगत में यह बुखार की महान औषधि के रूप में मानी जाती है। गिलोय की लता जंगलों, खेतों के पेड़ों, पहाड़ों की चट्टानों आदि स्थानों पर सामान्यतः से डाई पाई जाती है। गिलोय ज़्यादातर नीम और आम के पेड़ों के आसपास पाई जाती है। जिस वृक्ष को यह अपना आधार बनाती है, उसके गुण भी इसमें समाहित कर लेती है। इस दृष्टि से नीम पर चढ़ी गिलोय सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है। गिलोय एक दवाई के रूप में भी मानी जाती है, जिसे रस पीने से शरीर के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब तो बाजार में कई गिलोय की गोलियां, सिरपी, पाउडर आदि भी मिलना शुरू हो चुका है। गिलोय शरीर के दोष, कफ, वात और पित्त का संतुलन करती है और शरीर की कार्य क्षमता बढ़ाती है। गिलोय उल्टी, बेहोशी, कफ, धातु विकार, एलर्जी सहित कई त्वचा रोगों के फायदेमंद है। खांसी, छींक, विषक ज्वारक नाशक, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू आदि में भी बहुत लाभकारी होती है। ये हमारी प्लेटलेट को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करती है। तो देखो दोस्तों, एक गिलोय से हमें कितने फायदे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ में ये बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं कि एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।